नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको दुर्गा माँ से रिलेटेड एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि का समय है और आज अष्टमी है। तो बहुत प्यारी कहानी कल मैंने पढ़ी। दोस्तों इसमें होता क्या है, ये दो भाइयों की कहानी है, जिसमें से कि जो बड़ा भाई है वो काफ़ी धन धान्य से भरा हुआ है, उसके पास बहुत पैसे हैं। और जैसे कि हमारी एक रीति है कि लड़के होने चाहिए, तो भगवान की कृपा से ऐसा उनका सोचना है कि उनके पास तीन तीन लड़के हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो उन्हें दया आती है, ना उन्हें ज़्यादा किसी में मोह आता है, वो बस सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। वहीं उनका जो छोटा भाई है दोस्तों, वो काफ़ी गरीबी में रह रहा है, बहुत मेहनत करता है और बस एक दिन के बराबर का ही पैसा कमा पाता है कि शाम को उसके घर में रोटी आ सके, खाना आ सके। और उसको देवी माँ ने दी हैं तीन तीन बेटियाँ, लेकिन मजाल है कि उसको इस बात का कोई दुख हो, कोई कहीं भी कोई उसको ऐसा लगता हो कि मेरे पास बेटियाँ हैं, वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पाल रहा है और हर तरह के संस्कार उनमें डाल रहा है। दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे बिजनेस में वहाँ तो बड़ा भाई बहुत तरक्की करता जाता है और वहाँ छोटा भाई दिन 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 जो है नीचे की तरफ आता जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है कि भाई को बड़े भाई की ही शरण में जाना पड़ता है। वो जानता है कि भाई और भाभी से अपने घर में तो कभी आने देंगे नहीं, तो वो उनसे विनती करता है कि आप मुझसे काम करवा लीजिए, जो भी काम करवाना है, और मुझे सैलरी दीजिएगा लेकिन पर डे के हिसाब से दीजिएगा। बड़ा भाई तो खुश हो जाता है दोस्तों, वो कंजूस भी है तो वो कम दामों में जो है अपने छोटे भाई को अपने साथ रख लेता है। और छोटा भाई बहुत ही मेहनत से काम भी करता है और एंड ऑफ द डे पैसे भी कमाता है। तो होता क्या है कि जब इसी श्रृंखला में वो काम करता रहता है दोस्तों, तो एक दिन उसने कैसा काम किया है, खेतों का काम होता है तो उसने कैसा काम किया है ये देखने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों जंगल के रास्ते खेत की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है और साथ में एक बच्चे के रोने की भी आवाज़ आती है। और ये बच्चा जो होता है कोई नवजात शिशु होता है, यानी कि बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होता है। बड़ा भाई तो बिल्कुल हट जाता है, लेकिन छोटा भाई हिम्मत करके झाड़ी के अंदर पहुंचता है तो देखता है दोस्तों किसी ने अपने बिल्कुल नवजात से प्यारी सी बच्ची को उन झाड़ियों में फेंका हुआ है और कुत्ते उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं मीट समझकर। छोटा भाई बहुत दयावान है और उसे बहुत दया आती है और वो उस बच्ची को बचाने के लिए कुत्तों को डंडे से मार के भगाने लगता है। और बड़ा भाई जो होता है उस सिचुएशन से भागने के लिए कि कहीं उसके सिर पर कोई जिम्मेवारी ना आ जाए, वहाँ से चला जाता है। कई जगह वो पूछवाता है, पता करवाता है, लेकिन उस बच्ची का कोई परिवार नहीं मिलता दोस्तों। तो वो उस बच्ची को अपने घर ले आता है और जैसा कि उनके घर की एक प्रथा होती है, वो किसी भी आए हुए मेहमान को या किसी की भी बेइज्जती नहीं करते या उसके साथ बुरा नहीं करते। तो वो घर आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है और उसके बाद जो है उनसे कहता है कि नहीं, आप आराम से, आप चिंता ना करें, इस बच्ची को मैं ही पालूंगी। दोस्तों वो उस बच्ची को पालने लगते हैं और नवरात्रि शुरू हो जाती है और ये बेचारे बिल्कुल गरीबी की हालत में रह रहे, पूजा करने के बाद उनके पास मतलब दिया जलाने तक के लिए तेल नहीं है, लेकिन वो खुशी खुशी अपनी पूजा पाठ अपने मन से करते हैं। और दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है, उनकी पत्नी खूब चांदी के बर्तनों को सजाती है, घर में लाइटिंग लगवाती है, अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाती है और बहुत वो करती है, लेकिन पूजा करने में उसका कहीं मन नहीं है। अगर वो पूजा कर भी रही है तो बहुत स्वार्थ के साथ पूजा कर रही है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जैसे ही रात को मतलब सारी नवरात्रि खत्म हो जाती है और अष्टमी नवमी का दिन आता है, तो जो छोटा भाई है उसकी पत्नी थोड़ा सा चिंता दिखाकर अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं घर वालों को तो किसी तरह समझा लूँगी, लेकिन नवकन्या, जो नौ कन्याएं मुझे खिलानी है, वो मैं कैसे खिलाऊंगी, घर पे तो कुछ भी नहीं है। तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, हम देवी माँ से माफ़ी मांग लेंगे और जितनी हमारी क्षमता है हम उस हिसाब से पूजा करेंगे। ऐसा कह के वो दोनों सो जाते हैं दोस्तों। और जब सुबह के टाइम पे वो उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके घर में फली फल भरे पड़े हैं और मेवे भरे पड़े हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ा पता लगाने की कोशिश करती है कि ये सब कहाँ से आया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वो आस पड़ोस से भी पूछ आते लेकिन कोई इस बात से हामी नहीं भरता।
वो इसको देवी माँ का प्रसाद समझकर बहुत अच्छे से कन्याओं का वो करते हैं दोस्तों, और उनका काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है, पूजा संपन्न होती है। दूसरे दिन दोस्तों आधी रात के समय में बड़े वाले भाई की बीवी की कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मदद मांगने के लिए छोटे भाई के घर में आता है। तकरीबन रात के 2-3 बज चुके होते हैं। दरवाजा खटखटाने से पहले वो ये देखता है कि जिस कमरे में वो बच्ची सो रही हो, खिड़की से देखता है कि जिस कमरे में वो नवजात शिशु वो बच्ची सो रही होती है, अचानक वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और वो बच्ची दुर्गा माँ के रूप में प्रकट होती है और पूरी अलमारी को पैसे से और कपड़ों से भर देती है, किचन को राशन पानी से भर देती है और पूरे घर की काया पलट हो जाती है और पुनः उसी वक्त वो बालिका बनकर फिर अपने पालने में सो जाती है। बड़े भाई की आंखें फटी रह जाती हैं दोस्तों, और उन्हें ये एहसास होता है, अभी भी वो लालच है, अभी भी वो ये सोच रहे कि हे भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती होगी, इनके घर में तो ये बालिका के रूप में मतलब साक्षात देवी आई हुई है, दुर्गा माँ आई हुई है, और मैंने इन दुर्गा माँ का अपमान किया, मैंने उनको मुँह ही नहीं लगाया। लेकिन फिर वो क्योंकि लालची हैं, क्योंकि स्वार्थी हैं, वो उस बच्ची के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे दुर्गा माँ तूने मेरे भाई पे कृपा करी है, थोड़ी कृपा मेरे ऊपर भी कर दे। दुर्गा माँ तो दुर्गा माँ है दोस्तों, वो प्रकट नहीं होती, वो चुपचाप बच्ची बन के सोई रहती हैं और बिल्कुल कोई उनको उनका जवाब नहीं मिलता। हताश होकर वो वहाँ से चले जाते हैं और सुबह उठ के अपने छोटे भाई को बताते हैं कि मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है कि तू जिनको लेके आया घर में वो दुर्गा माँ है। ये सुनकर दोस्तों छोटे भाई को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहता है। वो धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पैसे वाला हो जाता है, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने भोलेपन पे और अपनी दया वाले उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं लाता है और धीरे धीरे पूरी कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से मेरा भाई और भाभी भी ठीक हो जाए। और दोस्तों यही होता है, धीरे धीरे उनके भाई और भाभी में भी बहुत बदलाव आता है और वो भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हम नहीं जानते कब कहाँ कैसे और किस रूप में हमें भगवान मिल जाए। इसलिए अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है, आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना ज़्यादा सोचे, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। अगर आपको भगवान ने इन दो हाथों में ये क्षमता दी है, ये आपको, आप ब्लेस्ड हो कि आप किसी को ऐसे दे सकते हो, तो प्लीज़ दीजिए, ये मत सोचिए कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार। आज अष्टमी है और कल हम कन्या पूजन करेंगे, तो आज आखिरी दिन मतलब अष्टमी की रात हमने व्रत की थाली मंगवाई है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही यम सा भोजन है, पूजा कर रही हूँ, उसके बाद इसको ग्रहण करूँगी। और ये बाइट आपके लिए, आपकी नवरात्रि शुभ हो।